हेलो स्टूडेंट, सतेंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग नए चैप्टर लेके आए हैं। नए चैप्टर क्या, नया टॉपिक लेके आए हैं, एलॉय स्टील, जो कि धातु चैप्टर से ही। तो एलॉय स्टील क्या है? एलॉय स्टील जब किसी धातु में दो या दो से अधिक धातु को मिला के जो तीसरी धातु बनती है वह एलॉय या मिश्र धातु कहलाती है। और अगर स्टील में हम नॉन फेरस धातु को मिला देते हैं तो वह एलॉय स्टील कहलाती है। लेकिन जिस धातु को नॉन फेरस धातु को मिलाया जाता है स्टील में, उसके मुख्य गुण उस स्टील में आ जाते हैं और उसी के नाम से उसको पुकारा जाता है। जैसे स्टील, अगर हम स्टील में निकिल को मिला देते हैं तो निकिल स्टील बन जाती है। क्रोमियम को मिला देते हैं स्टील में तो क्रोमियम स्टील बन जाती है। वेनेडियम को मिला देते हैं तो वेनेडियम स्टील बन जाती है। तो ये एलॉय स्टील यानी दो या दो से अधिक नॉन फेरस धातु को मिलाने से जो तीसरी धातु बनती है उसको हम एलॉय स्टील कहते हैं। जैसे निकिल स्टील, तो निकिल स्टील में 2 से 4% निकिल रहता है, 0.02% से 0.04% कार्बन और शेष लोहा। शेष क्या रहता है? लोहा रहता है। इसका उपयोग सूक्ष्म मापी यंत्रों, घड़ी, ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स वगैरह बनाने में किए जाते हैं निकिल स्टील का प्रयोग। अगला है क्रोमियम स्टील। क्रोमियम स्टील में 1% से 2.5% क्रोमियम, 0.8% से 1.5% कार्बन और शेष लोहा। शेष क्या होता है? रहता है लोहा। यह मजबूत एवं जंगरोधी होता है, यानी एलॉय स्टील प्राय जंगरोधी ही होता है, जंग उसमें नहीं लगती है। अगर उसमें से नॉन फेरस धातु को मिला दिया जाए, यह जंगरोधी होता है, मजबूत होता है, सामर्थ्य की गुण इसमें ज्यादा होती है। निकिल में भी वही होता है, क्रोमियम में भी वही होता है। लेकिन इस और क्रोमियम स्टील का उपयोग जो है वो बेरिंग रोलर माइक्रोमीटर के स्पेंडल और एनवी वगैरह बनाने में किया जाता है। स्टेनलेस स्टील में 18% क्रोमियम, 8% निकिल, 0.2% से 2% कार्बन और शेष लोहा रहता है। स्टेनलेस स्टील भी जंगरोधी, घिसावरोधी, कठोर होती है। जैसे घरेलू उपयोग के लिए स्टील का बर्तन जो यूज करते हैं, देखते हैं कि वो अधिक एल्यूमिनियम की अपेक्षा ये अधिक कठोर होता है। इसका उपयोग सर्जिकल औजार यानी सर्जरी का जो टूल्स होता है उसका औजार, घरेलू बर्तन बनाने में प्रयोग किया जाता है। वेनेडियम स्टील में 7% से 1% क्रोमियम, 0.15% वेनेडियम और अल्प मात्रा
मात्रा में कार्बन रहता है, इसमें अब बहुत कम मात्रा में कार्बन रहता है। धातु में जो है शेष भाग जो लोहा रहता है उसमें बहुत कम मात्रा में कार्बन रहता है। यह भी जंगरोधी चांदी के जैसा सफेद, और इसका उपयोग जो है रेडियो के बल्ब एवं रेडियो के बारीक तार आदि बनाए जाते हैं। अगला हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील में 14% से 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम, 1% से 1.5% वेनेडियम, 2 से 4% कोबाल्ट, 0.2% मैंगनीज, 2.5% सिलिकॉन, 0.6 से 0.7% कार्बन रहता है। यह कठोर जंगरोधी एवं घिसावरोधी होता है। जैसे हाई स्पीड स्टील इसे HSS के नाम से ही जाना जाता है। इसका उपयोग कटिंग टूल्स, रिमर, मिलिंग कटर, लेथ कटर बनाने में किया जाता है। कोबाल्ट स्टील, कोबाल्ट स्टील में 38% से 35% कोबाल्ट और शेष भाग लोहा रहता है। यह कठोर एवं घिसावरोधी होता है, जंगरोधी होता है। इसमें अस्थायी चुंबकीय गुण होगी, चुंबकीय गुण होता है, इसमें चुंबकीय गुण। इसका उपयोग जो है लेथ एवं मिलिंग मशीन के कटिंग टूल्स आदि बनाए जाते हैं। अगला है टंगस्टन स्टील। टंगस्टन स्टील में 18% से 22% टंगस्टन, 0.5% से 1% कार्बन और शेष भाग लोहा रहता है। शेष भाग लोहा। फिर सर इसका उपयोग मिलिंग कटर, रिमर, वाल्व के फिलामेंट टंगस्टन स्टील के ही बने होते हैं। टंगस्टन स्टील जो है हीरे के समान कठोर होते हैं। तो ये था एलॉय स्टील। अगले क्लास में हम लोग लोह धातु का ये लास्ट था, अगले क्लास में अलोह धातु पर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।